हेलो गेमर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेमिंग ओपिले की। गाइस, OB38 का अपडेट आने के बाद गेम में बहुत सारे चेंजेस हो चुकी है। आप लोगों को गेम खेलने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, सीएस रैंक पुश करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। गाइस, इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा अब सीएस रैंक में कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का खेल सकते हो, क्योंकि स्टाइलर का एबिलिटी है जो घटा दिया है, जस्टिन बीबर जो था हमारा उसका एबिलिटी भी घटा दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कौन सा कैरेक्टर लेकर खेल सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा जस्टिन बीबर जो कैरेक्टर था उसका एबिलिटी घटा दिया गया है। गाइस, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही सकते हो। गाइस, पहले जो हमारा जस्टिन बीबर कैरेक्टर था, पहले हमारा 15% डैमेज को घटाता था, अभी वो 12% डैमेज को घटाएगा, 15% डैमेज को नहीं घटाएगा। और दूसरी चीज, गाइस यहाँ पर स्काइलर को देख सकते हो आप लोग। स्काइलर का जो एबिलिटी था पहले 5 ग्लोबल को फोड़ना और HP देता था हम लोगों को 5-5 करके एक ग्लोबल पे, लेकिन अभी वो नहीं देगा, HP को नहीं देगा। अभी का टाइम सिर्फ स्काइलर ग्लोबल को फोड़ेगा। देखो गाइस, अभी के टाइम पे सीएस रैंक में तो आप स्काइलर को नहीं यूज करेंगे, तो मैं आप लोगों को मैं कुछ स्किल बताऊंगा, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उसको आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट हम बताएंगे आलोक के बारे में। आप आलोक के साथ यहाँ पर स्किल को यूज कर सकते हो, मैक्सिम को ले सकते हो, किली को ले सकते हो और इस कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप लोग बहुत अच्छे से गेम प्ले कर सकोगे। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं वुकोंग की, तो आप वुकोंग, मैक्सिम, केली एंड जोटा का यूज कर सकते हो। पर्सनली मेरा फेवरेट स्किल कॉम्बिनेशन है, मैं खुद इसको यूज करता हूँ। अगर तीसरी स्किल की बात करें तो आप यहाँ पर के कैरेक्टर, रैफेल कैरेक्टर, मैक्सिम कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। अगर हमारा चार नंबर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बोलो तो आप यहाँ पर स्कैन यूज कर सकते हो, उसके साथ मोको, मैक्सिम एंड केली को यूज कर सकते हो। गाइस, ये चारों कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग सीएस रैंक को पुश कर सकते हो। गाइस, अभी हम आप लोगों को एक चीज बताऊंगा यहाँ पर लूट आउट की, तो आपको यहाँ पर मैं सब कुछ समझा दूंगा। देखो गाइस, अगर आप सीएस रैंक में बाउंड्री लेकर जाते हो तो आपको यहाँ पर 300 कैश मिलेगा एक राउंड होने के बाद, जो 90 सेकंड बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चीज को यूज करते हो, दूसरे नंबर चीज को यूज करते हो गाइस, तो आपको यहाँ पर हीलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, परचेज बुलेट एंड मूवमेंट स्पीड बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका मूवमेंट स्पीड बूस्ट हो जाएगा। अगर आप ईयर ड्रॉप लेकर जाते हो तो आपको 300 एक्स्ट्रा कैश मिलेगा फॉर द ईयर ड्रॉप से मिलेगा। ठीक है, अगर आप बॉनफायर लेकर जाते हो तो आपको यहाँ पर 15 करके HP मिलेगा एंड आपको 10 EP पार मिलेगा 10 सेकंड के बाद। ठीक है, 10 सेकंड पार मिलेगा। ठीक है, वो अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर स्कैनर लेकर जाते हो तो आपको एनिमी का लोकेशन स्कैन कर सकते हो और आप टीममेट के साथ भी शेयर कर सकते हो गाइस। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बैकपैक ले जा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर बैकपैक अगर लेते हो तो आपको यहाँ पर 2 ग्लोबल मिलेगा एंड पर एवरी राउंड आपको 1 ग्लोबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, मैं इसको लेकर जाता हूँ। अगर आप यहाँ पर जो सेकंड वाला जो चीज़ है इसको अगर आप लेकर जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा आइटम मिलेगा। ठीक है, आपको कटाना वगैरह, हीलिंग स्किल, जो चिप वगैरह होता है वो सब मिल जाएगा। अगर आप इसको लेकर जाते हो तो आपका वेस्ट और हेलमेट का 80% ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा गाइस। ठीक है, क्लियर हो गया क्या बात? गाइस, अपडेट के बाद कुछ वेपन की एबिलिटी जो बढ़ा दी गई है, ठीक है, उसकी पावर बढ़ा दी गई है। तो मैक 10 हो गया, M60 हो गया, पैराफिकल हो गया गाइस, और एक और गन भी है। इसके बारे में आप लोगों को पता है कि कौन सा गन का पावर बढ़ा देगा एक और गन का, तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं देखूंगा कौन कौन बंदे को पता है। तो गाइस, आप लोगों को अगर सीएस रैंक टिप्स एंड टिप्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, कैसे आप सीएस रैंक बहुत इजीली पुश कर सकते हो रैंडम बंदे के साथ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से चेकआउट कर लेना। आज का वीडियो यही तक गाइस, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सीएस रैंक रिलेटेड एंड फ्री फायर रिलेटेड इस चैनल में वीडियो आती रहती है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना गाइज़।